पहले तो थैंक यू सो मच, आखिरकार आपने वीडियो को लाइक वाइक करके मेरे को सेकंड ईयर में पास करके पहुंचा ही दिया। पर यार जिंदगी ना पहले बुरी थी, ठीक है, जिंदगी पहले बुरी थी, अब बदतर हो गई, समझ लो बदतर। कौन कहता सेकंड ईयर बहुत ही बढ़िया है भाई, क्या बढ़िया है इसमें, क्या ही बढ़िया है, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। पूरे एक साल इंतजार किया था मैंने कि मैं भी सीनियर बनूंगा और जूनियर्स की रैंकिंग लूंगा, लेकिन इस चक्कर में, इंट्रो लेने के चक्कर में मेरे को 2 दिन जेल क्यों जाना पड़ा, क्या मतलब मैंने बच्चे का सिर पानी में 5 मिनट का डुबा कर रखा था। अरे नहीं मरते यार, मैं नहीं मरा ना, मेरे साथ भी हुआ था, मैं नहीं मरा, लेकिन वो ऐसे पुलिस का प्रेम करता है इतनी सी बात पे, क्या मतलब, आजकल के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है यार, रैगिंग दे ही नहीं सकते, इंट्रो के नाम पे सिर्फ पुलिस केस कर दिया, रैगिंग तो लिया ही नहीं था मैंने, वो तो मैंने तो बस रैगिंग में मेरा प्लान ये था कि मुंह से रस्सी डाल के कहीं और से निकालना है, नाक से, ठीक है गलत जा रहे हो, नाक से, लेकिन ये सिर्फ पानी से ही खत्म हो गया ये बंदा, और पुलिस केस भी करती, ये कोई बात होती है क्या, पता नहीं यार कैसे कैसे बच्चे आ रहे हैं आजकल, सहन शक्ति नहीं बच्चों में, और फैकल्टी अलग ज्ञान दे रहे हैं, पता है वो कह रहे हैं इट्स ए क्राइम, अबे अपने टाइम पे खुद इतनी रैगिंग ले ली होगी बच्चों की, हमें बता रहे इट्स ए क्राइम, फालतू लोग, खैर जमाने पे मैं बाहर आ गया हूं। और ये बताओ मुझे, ये जो फालतू चीज चल रही थी फर्स्ट ईयर में बायोकेम फिजियोलॉजी के साथ, ये सेकेंड ईयर में माइक्रोपैथो के साथ कंटिन्यू क्यों की गई, 2 सब्जेक्ट को मैंने कहा था अलग अलग कर दो, लेकिन इनके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, इनको अलग करना ही नहीं है, इनको नहीं करना है अलग, इनको वही जीसीपीटी सिलेबस लगानी है, और फिर कहते हैं बच्चे फ्रस्ट्रेट होते, अरे 35 नंबर के लिए 50-50 किताबें पढ़नी पड़ रही है एक सब्जेक्ट की, पागल हो गए थोड़े से, नहीं के। और सबसे बड़ी बात, ठीक है मैंने मान ली, ठीक है माइक्रो पैथो डीएम ये 3 सब्जेक्ट बड़े अच्छे हैं, मैंने पढ़ ली, ठीक है, फार्मा के शर्मा सर को क्या परेशानी है, नहीं सर क्या परेशानी है आपको, इन्होंने बोला ड्रग्स याद कर जाओ, मैंने बोला ठीक है, अगले दिन पूछा मेरे को नहीं याद आ रहा था, इसने बोला मेमोनिक्स बनाओ, कुछ भी कोई वर्ड्स ले लो रैंडम से और वो मेमोनिक्स बना के ड्रग्स याद कर लो, अगले दिन मैं घर गया मैंने ड्रग्स याद कर ली, तो उन्होंने पूछा मुझसे बेटा बताओ स्यूडोमोनस पेनिसिलिन का मेमोनिक्स क्या है, तो मैंने बोला शर्मा सर MC, इसके लिए मुझे 3 दिन सस्पेंड क्यों किया गया, सेम मेजलोसिलिन सी से कार्बेनिसिलिन, इसमें मेरे को सस्पेंड क्यों किया गया, सर ने बोला मेमोनिक्स बनाओ, मैंने मेमोनिक्स बनाया, MC हो गया ना भाई, सर आपको गाली थोड़ी दे रहा, वो बोल रहे गाली दे रहा, गाली कौन दे रहा था, मैं तो मेमोनिक्स बना रहा था, जैसे आएगा वैसे ही बनाऊंगा ना, कौन से नशे कर रहे, मैं क्यों सस्पेंड हो गया 2 दिन के लिए यार। और मैं बता रहा हूं एक चीज और, डीएम की बात आ ही गई है तो मैं बताता हूं एक चीज, सुनो जिंदगी में 2 चीज कभी सेट नहीं हो सकता, एक लड़की और दूसरा तीर सेटिंग, भाई तुम जान लगा लो, प्राण लगा लो, पैसे लगा लो, इज्जत लगा लो, कुछ भी लगा लो ना, टीचर सेटिस्फाई नहीं हो सकते तुम्हारी 30 सेटिंग से, उनके हिसाब से 30 सेटिंग पता नहीं कौन सी दुनिया में, तुम हीरे जवाहरात सोना चांदी लगा दो, उनको 30 सेटिंग का सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं सकता, और अगर तुम लड़के हो तो भूल जाओ, तुम्हारा अप्रूवल नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं हो सकता, एज ए मेल तुम्हारा अप्रूवल 30 सेटिंग का कभी नहीं हो पाएगा। और ये क्या तरीका है भाई, 30 सेटिंग देखने के बाद 2 मिनट तक मजा नहीं आ रहा, 30 सेटिंग देख के थोड़ा सा और रिफाइन करो, सर पिछले 10 दिन से छिल छिल के परेशान हो गया हूं मैं, प्रोस्थो लैब में घुसता हूं डॉक्टर बन के, निकल रहा हूं मजदूर बन के, एक बार तो मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे पकड़ के मेरे से नाला साफ करवाए थे, ये मजदूर है, और उसके बाद भी आपको रिफाइनमेंट नहीं दिख रहा इसमें, ओहो क्या बात है। और प्रोस्थो लैब एक ऐसी जगह है जहां पे आप मजबूर और मजदूर दोनों एक साथ होते हैं, वही बिना किसी सैलरी के, बिना किसी सैलरी के। भाई पता तुम्हें जब लैब की बात हो रही है ना, तो मैंने 2 दिन पहले एक मूवी देखी थी अमिताभ बच्चन की, काला पत्थर, उसमें अमिताभ बच्चन का गेटअप और प्रोस्थो लैब में लॉन्डो का गेटअप सेम रहता है,
कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप कोयला मजदूर की तरह काम करते हो, याद रखना। सेकेंड ईयर में आने के बाद आप भूल जाओ आप डॉक्टर ना, यू आर ए मजबूर एंड मजदूर बोथ एट सेम टाइम विदाउट पेमेंट, और बेइज्जती अलग से होती है। और हाँ, मजदूर से याद आया कि कैविटी प्रिपरेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता है? नहीं, हम आप क्या चाहते हो कि हम कैविटी में क्या बनाए, दरिया बना दे? नहीं, दरिया बना दे क्या, क्या चाहते हो तुम, तो हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या रखते हो? नहीं, ये जो ये एंगल वाली चीजें होती है ना कि हाँ इस तरह से ये तुम्हारा एंगल ऐसा है वो ऐसा हो जाए, ये कितनी डिग्री है, डिग्री तो बताओ, एटलीस्ट कितनी डिग्री अंदर जाना है यार, ये तो एमएम बता के छोड़ रहे हैं यार, डिग्री में बोल रहा हूं भाई कसम से, इतनी कैविटी बनाई, इतनी कमेटी बनाई, इतनी कैविटी बनाई, अभी इतना एक्सपर्ट हो चुका हूं कि जो नाले बनाते हैं ना म्युनिसिपल वाले, उनसे अच्छा नाला बना सकता हूं मैं, जमीन में कैविटी बना दूंगा, लेकिन इनको अप्रूवल देना ही नहीं होता भाई साहब। और हाँ, अगर तुमने जीवन में कभी भी अपनी कैविटी एक बार में अप्रूवल करवा लिया टीचर से, समझ जाओ कि तुमने गंगा नहा लिया है, तुम्हारे सारे पाप धुल गए, तुम सीधा जाओगे स्वर्ग, और वहां पे तुमको मिलेगी अप्सराएं। सही में इतना टफ काम है, एग्जाम्स आ रहे हैं फिर से, उसमें आप लोगों का साथ चाहिए होगा मुझे थर्ड ईयर में पहुंचने के लिए। तो इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मुझे थोड़ा सपोर्ट कर देना, थोड़ा सा लाइक का धक्का मारोगे पीछे से तो मैं थर्ड ईयर में आ जाऊंगा, वैसे भी समय आ गया है, थोड़ा सा मजदूर बन गया मैं, थोड़ा मजदूर बन के आता हूं, और तीर सेटिंग नहीं हुई अभी तक तो उसके लिए जाना पड़ेगा। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मुझे पहुंचा दो अब थर्ड ईयर में, अगर लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर हॉनेस्ट थर्ड ईयर रिव्यू चाहिए तुम्हें तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अगर तुम लोगों की थर्ड ईयर में कुछ अलग अलग मजबूरियां हैं, कुछ भी चीजें, उसे कमेंट डाउन करो, उसे मैं वीडियो में ऐड करूंगा, स्क्रिप्ट में ऐड करूंगा, और मैं तुम्हारे कमेंट्स को फीचर भी करूंगा अपने वीडियो के स्क्रिप्ट में। तो अगर चाहते हो ये चीज तो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इतने जोर सब्सक्राइब करना कि मैं सीधे थर्ड ईयर में चला जाऊं। चलो मिलते हैं फिर, और हाँ भाई, किसी को ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है, ये वीडियो जो है एक हल्के फुल्के जोक्स के लिए बनाई गई थी, कुछ कुछ चीजें एग्जैगरेट किया गया है वो मेरी खुद के दिमाग की कल्पनाएं हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, ठीक है, कोई ऑफेंड नहीं होना, थर्ड ईयर में मिलते हैं, बाय।